चलिए आज हम लोग UPTET 2019 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। जो सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए खोलेंगे, सबसे पहले फ्रंट पेज पे आपके सामने मेन विंडोज़ पे आपके डेस्कटॉप पे यह सामने आएगा। आप यहाँ पे नीचे की तरफ पढ़ेंगे, आपको 10 महत्वपूर्ण बातों को दर्शाया गया है, इसको आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में हम एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। आपका समय बिना गवाए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आने के बाद क्या करना है, टिक क्लिक करना है, फिर एरो का निशान दिखा रहा है, इस पर क्लिक किया आपने, मतलब कि आपने इसे ध्यानपूर्वक से पढ़ लिया है। आपको फीस कितनी है, एक से अधिक बार आवेदन नहीं कर सकते। फिर पंजीकरण के लिए यहाँ से क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडोज़ खुल कर आएगा। इस विंडोज़ में क्या करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, जैसे मेरा नाम दुर्गेश जायसवाल है, तो हमने क्या किया, ई लर्निंग विथ दुर्गेश जैसा जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। पिताजी का नाम अशोक सर, अशोक जायसवाल है। माता जी का नाम उर्मिला जायसवाल। डेट ऑफ बर्थ के लिए बढ़ते हैं, 0 यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी 08/07/1995। आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया हमारी, अब कैटेगरी में बढ़ते हैं। कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, अनरिजर्व, अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, तो ये भी हो गया अदर बैकवर्ड कास्ट जो था आपने क्लिक कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, स्पेशल कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर हैं या एक्स सर्विस मैन है, हैंडीकैप है, अगर कुछ नहीं है तो एनए कर दीजिएगा। जेंडर मेल या फीमेल, मेल है तो मेल। मेल आई डी, अपनी मेल आई डी डालेंगे। मेल आई डी डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो मेल आई डी होगी आपकी वो समझ चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि OTP आपका उसी पे आएगा, ई जैसे हमारा e-learning with Durgesh@gmail.com, ठीक है। अब मोबाइल नंबर की, मोबाइल नंबर आपके पास वही होना चाहिए जो 9506701777, मतलब याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर OTP आएगी। फिर आपके पास सामने कैचा कोड आएगा जो आपके सामने दिख रहा है, इसे अब हमने भर दिया UIR, सबका अलग अलग आएगा, ये नहीं कि जो मैं भर रहा हूँ वही आपका भी आएगा, QA, ठीक। इसको करने के बाद एक बार आप मिला लीजिएगा, नाम इलानी भी दुर्गेश, अशोक जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे OBC, जनरल, SC, ST जो भी है आप। फिर अगर स्पेशल कोई कैटेगरी है ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा NA करके। फिर जेंडर, मेल आई डी, मोबाइल नंबर, ठीक। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फिर आपके सामने एक नया विंडो जाएगा। अभी आपको सामने आ गया कि आपने इसको मिला लिया, जी मिला लिया, कैंडिडेट नेम इलानी भी दुर्गेश, अशोक कुमार जायसवाल, उर्मिला देवी, डेट ऑफ बर्थ, फिर अदर बैकवर्ड कास्ट, यहाँ ये ठीक है हो गया, मतलब इसको आपने अगर पढ़ लिया है तो ओके क्लिक किया, फिर आगे हमने बढ़ लिया, बढ़ने के बाद सब फाइनल सबमिट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते फाइनल सबमिशन के बाद, इसलिए यस प्लीज डू, ठीक। तो हम क्या किए, आगे बढ़ रहे हैं, आगे प्रोसेस के लिए यहाँ पे हमने क्लिक किया। इसी तरह विंडोज आपके सामने खुलता हुआ आएगा। अब यहाँ पे आपका आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP। अब जिन्होंने मोबाइल नंबर दिया उस मोबाइल नंबर पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जैसे क्लिक करेंगे आपके पास OTP आ जाएगी। अब देखिएगा, अब मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगी, इसके लिए आपके पास एक वैलिड मेल आईडी और मोबाइल नंबर होनी चाहिए। अब जैसे जो OTP है, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपकी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ आएगी आपकी, अगर आप देखना चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर आएगी, मैंने जो मोबाइल आपने यूज किया है, जो नंबर आपने दिया था उस नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मेरा आया है 19261926030305, ठीक। फिर अगर हम OTP की बात करें तो यहाँ पे जो OTP है वो मेल आईडी भी मेरी आई है, ठीक, क्योंकि दोनों वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे वन टाइम जो पासवर्ड आया है वो है 5, फिर कैपिटल ई है, फिर जो भी है, हमने क्या किया OTP डाल दिया। अब यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड क्या हो गया, HUGL, ठीक है। इस पर बात क्या किया, हमने सबमिट कर दिया। अब देखिए, अब हमारे सामने एक ब्लॉक दोबारा खुल गया, मतलब अगला पेज खुलकर आ गया। इस पेज में क्या क्या करना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमने DLED किया है, BLED क्या क्या किया है, अब उसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। जैसे मैं DLED प्रीवियस ईयर एज ओ नो BTC, मैंने जो DLED पहले BTC के नाम से जाना जाता है वो आपने किया है, शिक्षा मित्र हैं तो ये, BEd है, ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, तो यहाँ पे करना है, स्पेशल BTC यहाँ, DLED
अप्रूव्ड एसिड, अच्छा ये हो गया आपका, और बीटीसी उर्दू हैं, डिप्लोमा हैं और बीएलएड हैं, तो ये सब है। जैसे अगर आप इस समय वर्तमान समय में अगर हम सब बीएलएड स्पेशल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, ये डीएड है, बीएड है, फिर डीएड है, इस सभी के बारे में, तो जो भी आप हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम डीएलएड हैं या प्रीवियस जो पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, डीएलएड अभ्यर्थी ये करेंगे, शिक्षा मित्र ये, बीएड ये, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक किया। अब आते हैं मिनिमम, ये हो गया, ठीक है। तो मिनिमम स्टेट क्वालिफिकेशन, जैसे स्टेटस मैं पास हूँ या फाइनल ईयर, मैं पास हूँ 15 बैच से हूँ, आप 17 बैच से हैं तो अपेयरिंग रहेंगे, मैं पास हूँ, मैंने पास पे क्लिक किया। फिर आपके सामने फिर नया पेज खुल कर आएगा। अब आएगा एग्जामिनेशन अप्लाई फॉर, किसके लिए, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, या केवल प्राइमरी, अपर प्राइमरी, या दोनों। जैसे मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है कि अगर मैं बीटीसी हूँ क्या मैं दोनों के लिए कर सकता हूँ या नहीं, मैं डीएलएड हूँ दोनों के लिए कर सकता हूँ या नहीं। तो आप, क्योंकि जो ये अथॉरिटी है ये दोनों दे सकते हैं, चाहे आप बीटीसी हो चाहे बीएड हो, प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों, वरना एक क्लिक ही ना लेता। जैसे हम बीटीसी किए हैं यहाँ पे क्लिक, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं खुलता। इसका मतलब ये है कि हम चाहे आप फर्स्ट पेपर दे चाहे सेकंड पेपर दे चाहे दोनों दे सकते हैं। हमने दोनों के लिए क्लिक किया, और आप भी प्रयास करिएगा कि दोनों दीजिएगा, क्योंकि तैयारी एक बार कर ही रहे हैं उसी समय 2 घंटे के अंतराल पे दोनों परीक्षाएं दे लेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और एक बात और आप याद रखिएगा, जैसे कि इसके बाद जो चीज़ें बढ़नी वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध है, और ऑनलाइन क्लास यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम है। उसके लिए आप 6306366, एक मिनट भी, अभी आपको मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा देंगे, या कोई समस्या होती है तो हमारे फेसबुक पेज पे आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी आगे भी हम लोग पूरा देखते हैं, ठीक, यहाँ तक भर लेते हैं फॉर्म, अगर कोई समस्या रहती है तो फिर हम आपको बताते हैं। उसके लिए देखिए आप सबसे पहला काम आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, क्योंकि जैसे ही आप, ठीक है, तो यदि कोई समस्या होती है फॉर्म भरते समय भी आपको आगे भी बता देते हैं। उसके लिए हमारे फेसबुक पेज को जाइएगा, इलानी पर दुर्गेश ज्वाइन करिएगा, लेकिन टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके सामने ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ई लर्निंग विथ दुर्गेश आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यदि कोई समस्या आती है आप हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट करके आप वहाँ से संबंधित फॉर्म भरने संबंधित कोई भी सूचना होती है आप बताइएगा, जो भी समस्या होती है हम उसका निराकरण करेंगे। और हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है, यदि ऑनलाइन क्लास है नोट्स आपको चाहिए उसके लिए 6306344367 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एक बात और, इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, आपको पता है कि फॉर्म एक बार ही भरना है, अगर आप दोबारा भरते हैं तो आपका अंतिम आवेदन ही मान्य होगा, इसलिए कोई संशोधन का मौका इस बार आयोग ने नहीं दिया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें, हमने ये भर लिया। अब आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल में, क्या करेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में देखिए कुछ बातें हमारे और आपके जानने के लिए है कि पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें भरनी है। तो उसमें आता है पहले 10th, अप्लीकेबल किया मैंने, क्लिक किया यहाँ पे, तो अब विंडोज़ खुला, थोड़ा सेनेट स्लो होने की वजह से। अब आते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीए, अदर बोर्ड, जो भी हो यूपी बोर्ड से आपने क्लिक किया, यूपी बोर्ड के लिए पासिंग अप ईयर आप यहाँ पे दिए, अगर आप 2008 से तो आपने 8 क्लिक किया। फिर रोल नंबर, रोल नंबर जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर आते हैं मार्कशीट पर नंबर, देखिए मार्कशीट का नंबर होता है, रोल नंबर होता है, मार्कशीट नंबर मेरा है 6543201, ठीक। टोटल मार्क अगर देखा जाए, टोटल मार्क जैसे जो भी अलग अलग है, जैसे हमने देख लिया हमारे 426 हैं, कितने हैं 426, तो आगे पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आएगा टोटल मार्क, ये होगा टोटल, मतलब कितने नंबर का पेपर था, ये होगा टोटल 600 में से हमें कितने मिले, तो हमने देखा था कि 600 टोटल मार्क्स थे और 600 में से जो हमें मार्क्स मिले थे वो 426। अब परसेंटेज में आएगा तो परसेंटेज कितना हुआ आपका, तो 71% अपने आप ऑटो ले लिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट की तरफ, इंटरमीडिएट में फिर आया सबसे पहले बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, मेरा यूपी बोर्ड है, मैंने यूपी किया। फिर 2010 रोल नंबर की बात करें, फिर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे मार्क्सशीट नंबर 654321, टोटल मार्क्स पेपर कितने का था, 500 का था, 500 हो गए, मुझे कितने मिले तो 405, ये हो गया 81%। फिर आगे बढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन, क्लिक किया,
ये हो गया सब यूनिवर्सिटी अलग अलग है, तो जैसे मेरा है वीर बहादुर सिंह प्रोवेंशियल यूनिवर्सिटी, मैंने यहाँ से ले लिया जौनपुर से। फिर इंटर ईयर 2013, फिर रोल नंबर भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर मार्कशीट पे जो नंबर होता है कॉर्नर पे होता है 6 5 4 3 2 1, अपना अलग अलग सबका होगा। हमारे यहाँ 1800 मार्क्स का था, मुझे मिले कितने थे, मैंने 1250। ऐसा नहीं कितने मार्क्स मिले थे, वो तो मैं आपको, एक डेमो फॉर्म है इसलिए डेमो फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। हमने टैप क्लिक किया, फिर आ गया परसेंटेज आपका। फिर आगे बढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप पहले से भरिएगा नहीं छोड़ दीजिएगा। फिर डेलेट की बात करते हैं, बीटीसी की बात करते हैं, हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आते हैं, ये कौन सा है हमारा, आपकी यहाँ पे पीएनपी या जो भी आपका, जैसे मेरा है परीक्षा न्याय प्राधिकरण पीएनपी, या मैंने क्लिक कर दिया। जैसे आप लोग भी होंगे तो आपका पीएनपी होगा, अगर आप बीटीसी या डेलेट होंगे तो मैंने पीएनपी कर दिया। अगर बीएड है तो उसके लिए आपका यहाँ पे अलग अलग दिया है, बीएड के लिए अपना अपना दिया है। अब बीटीसी अगर आप हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज एलनगंज, हमने क्लिक कर दिया। अब आता है फिर ऊपर ईयर, तो ईयर हो जाएगा आपको का, मैं अगर पास आउट का दिखा जाए, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर हम लोग का है 2018 कि हम लोग 15 बैच से हैं। रोल नंबर फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मार्कशीट नंबर जो है 6 5 4 3 2 1। टोटल मार्क्स कितने थे 3 2 double 3200। हमें कितने मार्क्स मिले, चलिए माना 2700 मिले। परसेंटेज अपने आप ले लेगा, टैब हमने क्लिक किया ले लिया। इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो एजुकेशन का फॉर्म था फिलअप किया, ये वाला पूरा फॉर्म हमने क्या किया फिलअप कर लिया। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप इसे देख लीजिए, देख रहे हैं ये पूरा हमने यहाँ से क्लिक कर लिया है, ठीक है। यहाँ से कोई समस्या देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आया हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है नहीं है तो छोड़ दिया। फिर डीएलएड का है जो आपने चयन किया था, इन सभी को भर लिया। यहाँ पे अपना अपना बोर्ड हमने भरा, यहाँ पे पासिंग ईयर हमने भर दिया 2010 के बाद, अच्छा ऊपर था ना ये 8 10 12, फिर ये 2018 में पास आउट हुआ। ये रोल नंबर वाला कॉलम है, मार्कशीट नंबर का है, टोटल मार्क्स है, फिर आपको ऑप्टेन वाले कितने मार्क्स मिले वो हो गए, फिर लास्ट में परसेंटेज। जैसे इसको क्लिक करने के बाद आप टैप दबाएंगे आपका परसेंटेज अपने आप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे नीचे देखिए देखने को मिलता है एग्जाम से सिटी, कौन सिटी में भैया, हम जौनपुर जनपद से हैं। हमने क्या किया जौनपुर क्लिक किया, हमें जौनपुर मिल गया। सब्जेक्ट ग्रुप तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की बात करें तो भैया आर्ट्स हैं, क्योंकि सेकंड पेपर लेंगे तो ये आपका खुलेगा, तो हमने आर्ट लिया। ये फर्स्ट पेपर में इसकी कोई मतलब नहीं है, आपने सेकंड पेपर फर्स्ट दोनों चूज किया है तो आप ग्रेजुएशन, अगर आपने सेकंड पेपर 6 to 8 भी देना है तो आप ये ऑप्शन आप खुलकर आएगा। तो वहाँ पे आप आर्ट या साइंस से हैं, ठीक, तो आर्ट या साइंस, अगर साइंस ग्रुप से हैं, चाहे आप बायो ग्रुप से हैं, चाहे मैथ ग्रुप से हैं, आप साइंस रखेंगे और अन्यथा आर्ट, ठीक है। लैंग्वेज हमने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज भैया इंग्लिश लेना है इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत लेना संस्कृत, मतलब तीन लैंग्वेज है इंग्लिश उर्दू संस्कृत, इंग्लिश करना था हमने इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब फिर कैप्चा कोड डालना है UCLFAM, इसको सबमिट कर दिया। फिर आपके सामने ये पूरा प्रोफॉर्मा खुलकर आएगा, जिसमें आपने सबसे पहले प्रारंभ में देखिए आपका ये जो आपके सामने दिख रहा है आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपने जो पूरा फॉर्म फिलअप किया था प्रारंभ में फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे एजुकेशन का पूरा हाई स्कूल, ये देख रहे हैं पूरा, ये हाई स्कूल का है पूरा ऊपर, फिर इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, फिर डीएलएड का, डीएलएड या शिक्षा मित्र या बीएड जो भी है आपने क्लिक किया। फिर मैंने क्या किया एग्जामिनेशन सेंटर चूज किया, सब्जेक्ट अगर आप अपर प्राइमरी भर रहे हैं तो आप पे साइंस या आर्ट का होगा, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड इंग्लिश, संस्कृत जो भी आप रख सकते हैं, आप अगर एग्री हैं तो आपने क्लिक किया, मिलाने के बाद फिर फाइनल सबमिट किया। फिर क्या करा नहीं चेंज होगा, ये तो आपको प्रारंभ से ही बताते आ रहे हैं कि एक बार आपने फॉर्म फिलअप कर लिया तो फिर आपका चेंज नहीं होगा। इस प्रकार ये आपका ठीक है। उसके बाद आप अगला पेज खोलेंगे, कभी कभी क्या होता है जैसे मेरा बाहर हो गया था ऑटोमेटिक क्योंकि सर्वर स्लो होने की वजह से, तो दोबारा लॉग इन किए इस पासवर्ड के लिए गए, तो यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आवेदन शुल्क जमा करके फोटो में हस्ताक्षर अपलोड करने के पूर्ण किए जाने हेतु नया पासवर्ड बनाए, तो यहाँ पे क्या है आप वन टाइम पासवर्ड डालेंगे, तो जो मेरा था मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया पासवर्ड में बनाया जो भी था आई पी
न्यू पासवर्ड को बनाना है। न्यू पासवर्ड में ध्यान देना है कि आपको सभी, जैसे मेरा नाम है दुर्गेश, हमने बना दिया डी कैपिटल कर दिया DURGESH, फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह ले लिया, परसेंटेज लिया, अब 100% चिन्ह इसको लिख दिया मैंने 100%, मैंने 100, ठीक। हमने क्या लिया था, आपको शायद याद होगा, डी कैपिटल DURGESH, यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह, फिर ये हो गया। अब हमने क्या किया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद क्या हो गया, अब आ गया आपका पूरा बायोडाटा हमारे सामने, यहाँ पे आ गया, देखने आ गया यहाँ पे, ये फी पे है, रजिस्ट्रेशन प्रिंट है, स्टेप चार में अपलोड साइन करना है, फिर प्रिंट का फॉर्म ले लेना है, जो हमने देखा फॉर्म जो अप्लाई किया, देख रहे हैं आपके सामने, ये दोनों के लिए फीस 1200 रुपया है। एक बार ऐसा हम मिला लेते हैं, फिर नीचे एजुकेशन डिटेल है। अब यहाँ क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, पेमेंट करना है, फिर रजिस्ट्रेशन फिल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन आपका फिलअप हो जाएगा, फिर आगे क्या करेंगे, अपलोड और साइन करेंगे, लास्ट में आप प्रिंट ले सकते हैं। आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि भी आपको पता है 20 नवंबर है, उसके पहले आप अपना आवेदन पूर्ण कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, और फोटो जब लगाएगा उस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम पेमेंट कर देंगे, क्योंकि हम तो डेमो फॉर्म भर रहे थे इसलिए पेमेंट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ हम आपको ये फोटो दिखा देते हैं, फोटो किस तरह से आपको फिलअप करना है, क्योंकि इस बार आवेदन करते समय आप फोटो की भी जाँच कर लीजिएगा। जाँच करने के बाद इस आवेदन को आप जैसे यहाँ पे पेमेंट किया, ये आप रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलेगी, फिर फोटो अपलोड करके फाइनल प्रिंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर रहा और ये पूरी डेटा रही। अब किसी प्रकार कोई समस्या है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे, ठीक है, आप हमारे फेसबुक पेज इलानी दुर्गेश पे जाके आवेदन कर सकते हैं। एक मिनट हम आपको